काश मेरे पास एक अच्छे इंस्टीट्यूट की डिग्री होती ना, तो मैं भी आज सक्सेसफुल होता। और अगर भगवान ने मुझे थोड़ी सी हाइट दे दी होती ना, तो मेरा भी टीम में सिलेक्शन हो जाता। वैसे ये जो वर्ड्स है, काश, अगर, मगर, जब तक आपके साथ है ना, तब तक सफलता पाना काफी मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आप महान लोगों की हिस्ट्री या बायोग्राफीज को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कभी भी उन्होंने अपनी कमियों को अपनी मंजिल की रुकावट नहीं बनने दिया। जी हाँ, और ऐसे ही महान लोगों की लिस्ट में एक नाम है विल्मा रुडोल्फ का। तो आइए जानते हैं आज इनकी कहानी। तो बात ऐसी है कि विल्मा कोई आम लड़की नहीं थी। किस्मत ने उसे आजमाने के लिए उसके सामने एक नहीं बल्कि बहुत सारे मुश्किल हालात खड़े किए थे। टेनेसी शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी थी विल्मा रुडोल्फ। जब वो 4 साल की थी तो न्यूमोनिया और स्कॉरलेट बुखार का दोहरा हमला हुआ था इस नन्ही सी जान पर। और ये सितम उस पर ऐसा टूटा कि छोटी सी विल्मा इस बीमारी से पैरालाइज्ड होकर के हमेशा के लिए पोलियो का शिकार हो गई थी। मतलब ये कि विल्मा के सपने और उसकी पूरी जिंदगी उस व्हीलचेयर के आसपास ही थी। और डॉक्टर का कहना था कि वो कभी भी अब दोबारा जमीन पर पैर नहीं रख पाएगी। मगर दूसरी तरफ कुछ भी हो, विल्मा की माँ ने उसका हौसला टूटने नहीं दिया। वो एक मजबूत चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी थी। वो कहते हैं ना कि अपनी औलाद को हर हाल में जो टूटने ना दे, शायद यही एक माँ की सबसे बड़ी खासियत होती है। और विल्मा की माँ ने भी सोच लिया था कि वो बेटी को किसी भी कीमत पर हार मानने नहीं देगी। तो बड़े मजबूत लहजे में उसकी माँ ने कहा, मेरी बच्ची, अगर उस खुदा में तुम्हारा यकीन एकदम पुख्ता है, तो उसकी दी हुई काबिलियत और अपनी इस लगन से तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और फिर विल्मा ने अपना फैसला सुनाया, मैं इस धरती की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। और फिर आगे 9 साल की उम्र में डॉक्टर्स की चेतावनी के बावजूद विल्मा ने अपने ब्रेस उतार फेंके और जमीन पर अपना पहला कदम रखा। अपने 13वें साल में विल्मा ने अपनी जिंदगी की पहली रेस में हिस्सा लिया। वैसे ये बात अलग थी कि इस रेस में वो बहुत पीछे रह गई थी, मगर ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। विल्मा ने जिंदगी से कोई भी समझौता ना करने का फैसला कर लिया था। तो पहली रेस हारने के बाद उसने अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी रेस भी हारी। और वो तब तक कोशिश करती गई जब तक कि जीत की कामयाबी ने उसके कदम नहीं चूम लिए। तो पहली बार जीती गई उस रेस ने उसके हौसलों को और भी बुलंद कर दिया था। और यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते एक बार विल्मा ने पूरे जोश के साथ कहा, मैं इस धरती की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। और ये शब्द विल्मा ने अपने कोच एड टेम्पल के सामने दोहराए, जिनसे वो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में मिली थी। और कोच एड टेम्पल उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि सिर्फ 15 साल की उस लड़की में गजब का जज्बा था जो उन्होंने कहीं नहीं देखा। जिस उम्र में बाकी लड़कियां सहेलियों के साथ खेलकूद करती है, सपनों की ख्याली दुनिया में उड़ा करती है, उसी कच्ची उम्र में विल्मा के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून पूरे उफान पर था। वो समझ गई थी कि इस लड़की के अंदर एक धधकती हुई आग है जो एक सही दिशा का इंतजार कर रही है। और फिर एड टेम्पल ने कहा कि मेरा यकीन मानो, जिस लगन के साथ तुम इस बारे में सोच रही हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और वैसे भी एड टेम्पल जानते थे कि विल्मा अपने जैसे लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती थी। और जल्दी ही वो दिन भी आया जब विल्मा का ओलंपिक्स में जाने का सपना पूरा हुआ। ओलंपिक्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन चुने हुए खिलाड़ियों को ही मौका मिलता है अपनी काबिलियत को दिखाने का। वहां पर विल्मा का मुकाबला ऐसी ही एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ होना था, जिसका नाम था जूटा हीन, जिसे आज तक कभी भी शिकस्त हासिल नहीं हुई थी। तो इस इवेंट की पहली रेस 100 मीटर की दौड़ थी। विल्मा ने इस दौड़ में जूटा को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। एक बार फिर से जूटा से विल्मा का सामना था। बड़ी ही हैरत अंगेज तरीके से विल्मा ने जूटा को हरा करके ये रेस भी जीत ली थी। उसने दूसरी बार एक और गोल्ड मेडल हासिल किया। और तीसरा इवेंट 400 मीटर का एक रिले रेस थी। यहाँ पर एक और बार विल्मा और जूटा का आमना सामना हुआ, और जीत के लिए दोनों ही जी जान से तैयार थी। तो इस रिले में सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी लास्ट लैप में भागता है।
विल्मा और जूटा दोनों ही अपनी अपनी टीम को एंकर कर रही थी। पहले तीन खिलाड़ी दौड़े और बैटन को आसानी से एक दूसरे के हाथों में सौंप दिया, मगर जब विल्मा की बारी आई तो बैटन उसके हाथों से छूट गया। मगर विल्मा तब तक जूटा को दूसरी तरफ से तेजी से आते हुए देख चुकी थी। किसी मशीन की तेजी से विल्मा ने फुर्ती से बैटन को उठा लिया और दौड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बस फिर क्या था, किस्मत को भी विल्मा की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। और ये तीसरी बार था जब जूटा को हरा करके विल्मा रेस जीत चुकी थी। तीन गोल्ड मेडल एक साथ जीतकर उसने एक नया इतिहास रचा था। 1960 के ओलंपिक्स में विल्मा एक पैरालिटिक औरत दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली खिलाड़ी बनी और ये एक नया कीर्तिमान था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही ना कि क्या फर्क है एक विनर और लूजर में, सिर्फ एक सोच का। जी हाँ, जो इंसान कभी भी हार नहीं मानता उसके सामने किस्मत भी घुटने टेक देती है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके सामने कठिनाइयों का पहाड़ है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बस विल्मा की इस कहानी को याद कर लीजिएगा और फिर आप अपनी सारी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे। क्योंकि अगर विल्मा ये काम कर सकती है तो आप और मैं कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ में ये नया सेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां पर आपको रेगुलर वीडियोस तो मिलती ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मोटिवेशनल और मोरल स्टोरीज वीडियो भी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस अपनी नॉर्मल वीडियोस के साथ पोस्ट करते रहें या फिर इनमें कुछ बदलाव लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। जय हिंद।